हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, अंग्रेजी सीखने का आज है सातवां दिन और पिछले छह दिनों में हमने कुछ टेंसेस और कुछ सेंटेंसेस बनाने सीख लिए बेसिक तरीके से। अब आज है सातवां दिन और आज के दिन में आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज का दूसरा टेंस कराऊंगा जिसका नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूस। बहुत प्यारा, बहुत ही शरीफ टेंस है ये भी और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलो अब देर नहीं करते, क्लास की शुरुआत आज बिना बकवास के कर देते हैं और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन बराबर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और सीखते हैं आज सातवें दिन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब सबसे पहले मैं आपको इस टेंस की पहचान बता देता हूं। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वो टेंस होते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आए। अब जहां पर भी आपको रहा था, रही थी, रहे थे दिख जाए ना, वही समझ जाना यह ससुरा पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस है। मैं जा रहा था, मैं सो रहा था, तुम कार चला रहे थे, वो रेल चला रही थी, वो मुझे फोन कर रही थी, मैं उसका फोन नहीं उठा रहा था। तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये हो गई इसकी पहचान। कल हमने सीखा था रहा है, रही है, रहे हैं, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ये है पास्ट कंटीन्यूअस। रहा था, गुजर गया, ऐसा पहले हो रहा था। अब चलो इसका मैं आपको फॉर्मूला भी समझा देता हूं और बहुत आसान फॉर्मूला है, आज की वीडियो भी जल्दी पूरी हो जाएगी और क्लास भी जल्दी खत्म हो जाएगी, फिर तुम कहीं पार्क वार्क कपल पार्क जा सकते हो, डोंट वरी, मेरी तरफ से तुम्हें छूट है। तो अब रूल सुनो, अफर्मेटिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर में से कोई एक चीज, कल प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इजेमार में से कोई एक चीज, आज वाज वर लगेगा, इजेमार फिजेमार का कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। मैंने आपको बताया था ना, जब तक कंटीन्यूअस टेंस चलेंगे कंटीन्यूअस में आईएनजी जरूर लगती है, तो आसान हो गया, सेकंड थर्ड फॉर्म का लफड़ा नहीं है। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब नहीं वाला बनाएंगे तो तीसरे नंबर पे नोट, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर, और तीसरे नंबर पे नॉट, फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और क्या वाले के लिए मैं फॉर्मूला लिखता नहीं, बस ऐसे ही बता देता हूं, वाज वरी तो पहले लाना है और क्या करना है, अभी आगे बहुत सारी क्लासेस बाकी है, डब्ल्यूएच फैमिली कराऊंगा, उस वक्त समझा दूंगा इंटरोगेटिव का और अच्छे से फॉर्मूला। तो ये है हमारे भैया रूल, दोनों तैयार हो गए। अब सवाल ये उठता है वाज किसके साथ लगेगा और वर किसके साथ लगेगा। तो सुनो, सिंगुलर पर्सन एक वचन जैसे ही, शी, नेम, इट, इनके साथ लगेगा वाज। आवाज मत पड़ा करो, वाज स्टाइल में थोड़ा सा वाज। और भैया प्लूरल पर्सन यू, वी, दे, इनके साथ लगेगा वर। अब मेरे बराबर में तुम्हें ये आए है कूले के पास दिखाई दे रही होगी, इससे देख लेना जब भी याद करनी हो, स्क्रीन पर कुछ भी सेंटेंस बनाने के लिए यहां देख लेना। अब डायरेक्टली लेते हैं एग्जाम्पल। तो भैया पहला एग्जाम्पल देखो, सचिन क्रिकेट खेल रहा था। अब देखो इस वाक्य के अंत में रहा था आ रहा है और भैया यहां से साफ साफ पता चल रहा है, किसी को बताने की जरूरत नहीं, कभी कोई चुगली करे हमें, ये पास्ट कंटीन्यूअस है, कहता है हमें पता है इसमें रहा था आ रहा है, इसलिए हमें पता है ये पास्ट कंटीन्यूअस ही है। चलो अब बनाते हैं, अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे अफर्मेटिव और अफर्मेटिव के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस पर नजर मारो, आराम आराम से बनाओ, जल्दी किस बात की है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, सचिन, सचिन का सचिन, क्योंकि नाम का नाम ही लिख देते हैं, लिख दिया। अब इसके बाद इजेमार तो लग नहीं सकता क्योंकि वो तो प्रेजेंट वाले में लगता है, यहां लगेगा वाज वर। अब सचिन के साथ वाज लगाएं या वर लगाएं, तो मेरे बराबर में चार टिके, देखो कूले के पास लगी हुई है, ठुमके के पास, यहां पर देखो नाम के साथ क्या लिखा हुआ है, सही बोले आपने, आप पकड़े आपने, क्या बोलते हैं, तो सचिन नाम के साथ लिखा है वाज, सचिन वाज। इसके बाद खेलना और क्रिकेट बचा, क्या पहले लिखे, तो जो उल्टी तरफ से आए वो पहले लिखो, बार बार कहता हूं मैं, तो उल्टी तरफ से आ रहा है खेलना और इसमें आईएनजी के साथ, तो ऐसे नहीं लगाएंगे खेलिंग, सचिन वाज खेलिंग, अब यहां पे खेलने को कहते हैं प्ले, आईएनजी लगाएंगे प्लेइंग, तो सचिन वाज प्लेइंग। अब बचा क्रिकेट, लिख दो क्रिकेट, सचिन वाज प्लेइंग क्रिकेट, हो गया भैया। अब इसको नहीं वाला भी बना देते हैं, नॉट वाला, सचिन क्रिकेट नहीं खेल रहा था और नॉट वाले में बस तीसरे नंबर पे ही तो नॉट लगाना है, तो चलो लगाते हैं सचिन वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तीसरे नंबर पे नॉट लगा दिया, सचिन वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। और क्या वाला बनाना है, क्या सचिन क्रिकेट खेल रहा था, तो वाज बिठा के पहले लिखना है वाज सचिन प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरीके से वाज और वाले सेंटेंसेस बनते हैं। एक एग्जांपल और बना के दिखाऊंगा, उसके बाद कराऊंगा आपकी जहर प्रैक्टिस, जैसा कि हर वीडियो में कराता हूं। अब दूसरा वाला एग्जांपल देखो, जैसे हमारा सेंटेंस है हम छत पर पतंग उड़ा रहे थे, थोड़ा बड़ा ले लिया, हम छत पर पतंग उड़ा रहे थे, तो
यहां पे आप देख रहे राहत रही थी रहते में से आ रहा है। चलो सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट वी। अब वी के साथ वाज लिखें, वर लिखें, वी के साथ लिखेंगे वर। यहां पर देख लेता हूं मैं अपनी स्क्रीन पे, तो वी वर। अब उड़ा, फ्लाई, आईएनजी के साथ फ्लाइंग, पतंग, काइट, पर उल्टा चलना है ना, पर ऑन छत, रूफ या द रूफ बोल सकते हैं, तो वी वर फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ। अब नेगेटिव बनाएंगे, वी वर तीसरे नंबर पे नॉट फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ। और क्या वाला बनाना है, वर उठा के पहले लिख दो, वर वी फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ। तो भैया समझ लिया। अब ना ही शी नेम इट के साथ वाज, आई यू वी दे के साथ वर लगता है, ये ध्यान रखना। और नाम एक हो तभी वाज लगेगा, अगर नाम भी एक से ज्यादा हुए कि सचिन और धोनी क्रिकेट खेल रहे थे तब वाज नहीं लगेगा, फिर वर ही लगेगा क्योंकि एक से ज्यादा के लिए वर लगता है। अब टाइम है प्रैक्टिस का, 5-5 सेकंड में बाद आपको मैं एक-एक सेंटेंस बोलूंगा, बस 10 सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा जल्दी जाने की करना मत, ये ना हो कि भागने की जल्दी हो। क्लास में वैसे भी तुम्हारा दिल तो लगता नहीं है क्योंकि यहां कोई देखने को तो तुम्हें मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रही है, इसलिए मोबाइल की स्क्रीन पर ही टिके रहो और ध्यान लगाओ, जरा पढ़ लो बैठ के, बाद में बात करना। हां तो चलो फिर सेंटेंसेस की शुरुआत करते हैं, जल्दी से आंसर देना यहां स्क्रीन पर आने से पहले। सो लेट्स स्टार्ट, बस 10 सेंटेंस पूछूंगा उसके बाद तुम्हारी छुट्टी, फीस जमा करा देना। पहला सेंटेंस सुनो, वह कार चला रहा था, हम अखबार नहीं पढ़ रहे थे, तुम मोबाइल बेच रहे थे, मैं टीवी नहीं देख रहा था, माताजी कपड़े नहीं धो रही थी, क्या पिताजी छत पर अखबार पढ़ रहे थे, क्या चोर झूठ बोल रहा था, तुम वीडियो देख रहे थे, सोनू और मोनू छत पर सो रहे थे, आकाश आकाश में पतंग उड़ा रहा था, अरे बस भैया बस हो गई प्रैक्टिस, सेंटेंसेस मैंने बोल दिया, आई एम श्योर आपने ज्यादातर सेंटेंसेस सही बनाए होंगे, ज्यादातर क्या, कितना तो आसान टेंस है ये, सारे ही सही बनाए होंगे। अब आपके लिए होमवर्क, यू वर्क जो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में चेक करता हूँ वो दे देता हूँ, एडिटिंग वाली मैं पहली लगा दिया, आज तो बोलने तो देती मुझे, डेली का डायलॉग है। चलो भाई, तो मैडम ने यहाँ पर लगा दिए सेंटेंसेस और इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखो, और भैया इनका स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो यही रोक के रोकना भी मत, एंड तक देखना, डायलॉग पूरे सुना करो, कितनी मेहनत से स्क्रिप्ट लिखी जाती है, तो मैंने दिन हमारा तो भाई ये सेंटेंसेस आप ध्यान से देखना, इनकी ट्रांसलेशन इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर करना, जो अफर्मेटिव अफर्मेटिव बनाना, जो नेगेटिव है नेगेटिव बनाना, एक का एक ही बनाना है, और मैं लाइक कर चेक कर दूंगा, कोई गलती करोगे तो कमेंट में आपको बता दूंगा। तो भैया ये थी आज की वीडियो, सातवें दिन पास्ट के कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। आने वाले दिनों में हम बहुत सारे टेंस सीखेंगे, मोरल सीखेंगे, एक्टिव पैसिव सीखेंगे, अदरक लहसुन और जितनी भी चीजें होती है सारी सीख लेंगे, और अंग्रेजों के मुंह पे जाके कहेंगे अच्छी कहने वाला था मैं। तो जाते जाते इस वीडियो को एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।